बारिश की वजह से दिल्ली की मंडियों में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। किचन पर महंगाई का बोझ बढ़ने लगा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ओखला मंडी की ये तस्वीरें हैं। बाजार में आलू है, प्याज है, टमाटर है, हरी सब्जियां भी हैं। ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतें लोगों को मायूस कर रही हैं। इनके भाव इन दिनों काफी बढ़े हुए हैं। भिंडी है 60 रुपए किलो और प्याज है 50 भी है, 60 भी है। टमाटर बढ़िया टमाटर 60 रुपए किलो है। बताया जाता है कि कई जगहों पर बारिश होने की वजह से आपूर्ति कम हो रही है, जिससे दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतें 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। आलू 30 से 35 रुपए किलो मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में फल और सब्जियों के भाव भी तेजी से बढ़े हैं। कारोबारियों का कहना है कि बारिश कम होने के चलते कई जगह फसल खराब हुई, इसकी वजह से दामों में तेजी आई है। बताया जाता है कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों तेज गर्मी की वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ था और अब बारिश से आवक भी कम हो रही है, जिससे कीमतें बढ़नी तय है।